नमस्कार, मैं हूं रंजीत बरगरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवैध निर्माणों को लेकर। दरअसल फिरोजाबाद जनपद के टूनला में एक अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। इस अवैध निर्माण को लेकर लगातार अखबारों में ये सुर्खियां आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि टूनला सुभाष चौराहे के पास बनाए जा रहे मार्केट की दुकानें अवैध हैं। उन्हें ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है, ना ही विकास प्राधिकरण से। दरअसल इस मामले की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले विकास प्राधिकरण के जो पीडी हैं आगरा में, उनसे बात की, संजय वर्मा। संजय वर्मा जी से जब हमने बात की तो जब इस मसले को उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि हाईवे पर किसी भी निर्माण से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना आवश्यक है। और जब उन्होंने इस मसले की बात की तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से ऐसी कोई NOC जारी नहीं हुई। इसके बाद हमने क्षेत्रीय अधिकारी जो है NH के भावेश पटेल से बात की। भावेश पटेल ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि NOC नहीं दी गई है। अब जब भावेश पटेल से विस्तार में बात हुई तो उन्होंने एक क्लू दिया कि आप इस मामले में विकास प्राधिकरण से भी बात करिए। विकास प्राधिकरण के JE प्रदीप कुमार से इस मामले में जब बात की गई, सिटी मजिस्ट्रेट राजकुमार जी इस मामले में जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि आप हमारे JE से बात करिए। जब JE प्रदीप कुमार से इस मामले में बात की गई, क्या टूनला सुभाष चौराहे पर जो चेयरमैन चौधरी भंवर सिंह द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं वो वैध हैं? क्या आपके पास वो नक्शा आया है, उस नक्शे को आपने पास किया है, अप्रूवल दिया है? तो प्रदीप कुमार जो JE थे उनका कहना था मेरे पास शिकायत आई है और उस पर हमने उनसे बात की है। कहने का मतलब कि विकास प्राधिकरण आखिर इस मामले में इतना सुस्त क्यों है? जब शिकायत आई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आप किसी भी आम आदमी के प्लॉट को बनता हुआ देख लेते हैं, अगर उसका फाउंडेशन भी चल रहा है उस वक्त आप नोटिस थमा देते हैं, जाकर रोक लगा देते हैं, तो आखिर चौधरी भंवर सिंह जब इन दुकानों का निर्माण कर रहे हैं तब आपने रोक क्यों नहीं लगाई आकर? प्रदीप कुमार से जब यही सवाल किया गया तो वो थोड़ा सा भड़कते हुए अंदाज में कहते हैं कि आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछिए आखिर रोक क्यों नहीं लगी। हेलो, हाँ JE साहब बोल रहे हैं। हेलो, हाँ JE साहब बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं रंजीत गुप्ता बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिला है। अच्छा, राजकुमार साहब से? हाँ, जी बताए। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी मुझे ये चाहिए थी आपसे जी। कि यह टूनला चौराहे पर जो दुकानों का निर्माण हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास हुआ है विकास प्राधिकरण से? उनका भी कंप्लेंट है, अल्लाह मामला है, नक्शा डालेंगे। नक्शा डालने के लिए कहा उन्होंने, 15 दिन का टाइम दिया। अच्छा, तब तक निर्माण जारी रह सकता है? नहीं तो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन जाए इस समय? इलेक्शन मंडे को करना, जो भी आपको बात करनी है मंडे को करना। नहीं मैं तो आपसे मैं तो आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूँ कि आपका सचिव साहब से पूछ लो। आप सचिव साहब से पूछ लो ना। अच्छा, सिटी साहब से पूछ लो नंबर। हाँ, अच्छा, ठीक, उनसे पूछता हूँ। क्या सिटी मजिस्ट्रेट यानी जो सचिव विकास प्राधिकरण है उनकी कोई भूमिका है इस निर्माण में लेकर? क्योंकि सवाल प्रदीप कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट यानी सचिव विकास प्राधिकरण पर खड़े कर दिए। जब पलट कर मैंने इस मामले में बात की सचिव विकास प्राधिकरण राजेंद्र सिंह जी से तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में जांच कराऊंगा कि आखिर निर्माण कैसे हो रहा है, नक्शा किसने पास किया और कब किया, अगर शिकायत आई है तो रोक क्यों नहीं लगी। हालांकि इसमें कई अखबारों में जो खबरें छपी हैं उनमें लिखा है कि उपभोक्ताओं को गुमराह कर दुकानें बेची जा रही हैं। आखिर टूनला में अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों पर रोक कौन लगाएगा? आखिर क्या वजह है कि इस तरह के निर्माणों को लगातार हवा दी जा रही है, ये बन रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, लेकिन आला अधिकारी आंखों पर पट्टी और कानों में रुई लगाकर बैठे हुए हैं? आखिर जब विकास प्राधिकरण के JE से ये बात की जाती है तो वो भड़कते क्यों हैं? जब आपको शिकायत मिली तो आपने यहाँ पर आकर तत्काल प्रभाव से निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगाई? सवाल कई खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर चौधरी भंवर सिंह के इस निर्माण पर कौन कार्रवाई करेगा और आने वाले समय में क्या इन दुकानों के निर्माण पर रोक लगेगी और गुमराह करने वाले कॉलोनाइजर बिल्डर्स पर
प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को गुमराह कर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली जाती है और एवज में जब उनके उन्हें मिलता क्या है, कई सारे मुकदमे तारीख और बेवजह की फजीहत। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इन दुकानों के निर्माण को लेकर, क्योंकि हमारा काम है जागरूक करना, हम आपको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि सवाल जायज से वो पूछे गए, उसके जवाब जो हैं वो माकूल नहीं मिले, लिहाजा सवाल इसी तरह पूछे जाते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेंगे। तो सावधान हो जाइए, जाग जाइए, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले एक बार सारी तस्दीक जरूर करिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। नमस्कार।